एकदम बड़े वाले हो तुम, ये क्या दूध में शक्कर की नमक डाल दिया? मिश्रा, ओ बिल्लू, हमको लगा कि ये शक्कर है। अबे शक्कर इतना बारीक होता है क्या? हमको लगा कि ये शक्कर है, तुम पीस के रखे हो। मरना ऐसा थोड़े होता है कि हम भूल जाएं। कहे कि भूले की बीमारी हमें थी, लेकिन उसका हम इलाज करा लिए, बहुत दिन भा बहुत पैसा खर्च किए हैं, उसके बाद डॉक्टर सर्टिफिकेट दिया हमें और कहे कि अब हम बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन। हमको बहुत बेदर्दी है आप, एक संडे की भर तो छुट्टी मिलती है, जिसमें चाहिए तो हमें बाजार लेके जाए, चाट पकौड़ी खिलाए। अरे हमारा भी मर्द करता है कि और मर्दों को देखे। और भी कुछ हुआ था क्या? अरे मैडम कैसा आदमी उठा के ले आई आप, दूध में शक्कर या नमक डाल दिया इस ससुरा। मिश्रा, अब चुप। मिश्रा जी, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली। देखिए शक्कर की जगह नमक डाल दिया है, कोई बात नहीं, ये दूध हटाइए और फ्रिज में से दूसरा दूध का भगोना ले आइए, बात खत्म, चले जाइए। जा रहे हैं। भिंडी बकवास है। और सुनो, दूध में नमक मिला दिया, अरे बजट नहीं है हमारा इतना, जानते नहीं ये नमक कितना महंगा है। ओ बिल्लू, मैडम को मत बताइएगा, लेकिन जितना है जरूरी उतना ही करिए। ठीक है, दूध लाए, रखिए यहाँ रखिए। हाँ, रख दिए, ये सब काट करके साइड में काट रहे हैं, बहुत है बोलती है। दूध लाए हैं। ओ बिल्लू, मेम साहब दूध ले लो। दूध लाए हैं मेम साहब। सुनीता, हो गया कुछ? चचा, हम कल भी देखे ड्यूटी के वक्त ये लंबा लंबा खर्राटा ले रहे थे, हैं? अब तो तुम्हारी कंप्लेंट पक्की। नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो आंखें बंद करके भगवान जी का नाम ले रहा था। छूट। अरे तुम सो रहे थे चचा, अपनी आंखों से देखे थे, मैया कसम अब तो तुम्हारी कंप्लेंट पक्की। अरे सुनो तो, अरे कुछ ना सुन रहे हम। भैया। क्या? ओ बिल्लू, क्या हुआ भैया, बहुत परेशान से लग रहे हैं आप। अरे यार, ये रामू वॉचमैन है ना, ये कहता है इसने मुझे ना सोते हुए देख लिया, ये मेरी शिकायत करेगा। एक मिनट भैया, दूध का गिलास तो मैंने इसे भी टिकाया था, फिर ये जागा कैसे रहा? क्योंकि आपको सोता हुआ देखने के लिए इसका जागा रहना बहुत जरूरी है। और अगर इसने दूध पिया था तो दूध का असर इस पे क्यों नहीं हुआ? मुझे तो इस पे भी शक होता है भैया। खैर, आप दूध पीजिए। बात क्या है, आपने हम सबको यहाँ चौकी में क्यों बुलाया है? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ, क्योंकि आज मैडम एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाली। देखिए मैडम, मैं तो कवि हूँ, अगर चमेली चांद है तो मैं रवि हूँ। यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है,
मेरे दिल में जल रहा मोहब्बत का दिया है। मैं हूँ बिल्कुल बेकसूर, पता नहीं कब इनके डैडी बनेंगे मेरे ससुर। ये, ये। मैंने कही तेरे कुछ करा है? नहीं, मैंने कही तू गुनहगार है? तो क्यों इतना उतावला हो रहा है? अपने मुंह से गिल्ट में आ रहा है, कतई अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि नहीं करा और करा और क्यों नहीं। मैडम, चोर की दाढ़ी में तिनका, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही गुनहगार है मैडम? अरे मैडम कुछ बताइए तो सही, हुआ क्या है, बात क्या है? बात यो है कि यहाँ खड़े आप सभी में से एक शख्स है जो गुनहगार है। जिसका पता अभी चल जाएगा। ये आप क्या कह रही है मैडम? हाँ, और मिस चमेली, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे बड़ी बड़ी मेहनत से मैंने अपनी हॉस्टल की इज्जत बचा कर रखी है और मच्छर घुस गया गाड़ी में। कसम धोनी की, श्रीदेवी के बोनी की, अग्रवाल जी हमको तो खुद ही कुछ ही नहीं मालूम है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो गुनहगार है वो रो जाएगा। आप सभी के सामने यो पानी का एक ग्लास रखा है। इब हम करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, एक एक करके आप सभी को इस पानी में अपनी उंगलियां डुबोनी है और उसके बाद देखिए खेल। ओके, लेट्स हैव सम फन। आर यू रेडी? तो भाई लेट इस फर्स्ट। आ जाओ वॉचमैन। हाय। दूसरा, गुड, जाओ पीछे। जीतू जी, सफेदी आप आइए। हाय। व्हाइट, चलो चलो जल्दी। दूसरा, जाओ आप आइए। हाय। दूसरा, चलिए। छोटा चिंगम आप आइए। चलिए, अब सिर्फ बुजुर्ग पोपट बचे हैं, आइए। तू यहाँ उपाधियां देने खड़ा है? Excuse me. अग्रवाल जी चलिए, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वाह
वाह अग्रवाल साहब, आइए आसन ग्रहण करिए, सबको पता लगे आपकी सच्चाई। तमाम व्यक्तिगण, केस सॉल्व। यो है वो मुजरिम जिसने डिंपल के लैपटॉप से सोशल नेटवर्किंग साइट पर सब गलत गतिविधियां करी और लोगों ने धोखा दिया। इंडियन पीनल कोड दफा 420 के तहत ये केस चलेगा और तुम्हें जेल होगी। Yes! अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या सबूत है कि मच्छर घुस गए गाड़ी में? हाँ? क्यों तू सलमान खान हो रहा है कि थारे लिए बिल्कुल जाल बिछा के तैने फंसाए और कोई काम नहीं है हमें? डिंपल के लैपटॉप के कीबोर्ड पे मैंने एक विशेष केमिकल लगाया जिस केमिकल को छूता ही उंगलियों पे वो केमिकल चिपक जावे और जब वो केमिकल इस सॉल्यूशन के संपर्क में आवे है तो रिएक्शन में नीला कलर छोड़ता। कल रात को ही डिंपल के कमरे से लैपटॉप चुराते हुए अग्रवाल साहब को मैंने देख लिया था। मैडम, जब ये सब करते हुए आपने इनको रात को देख लिया था तो अरेस्ट क्यों नहीं किया? रात को भी चाहती तो मैं तभी अरेस्ट कर लेती रंगे हाथ, लेकिन मैं चाहती थी कि मुजरिम को मैं फुल प्रूफ पकड़ूं। भाई उस समय अरेस्ट होने पर यो अग्रवाल साहब कुछ भी बहाना बना सकते थे कि भाई मैं तो बूढ़ा हूँ, नींद में चल रहा हूँ, या मैं अपनी तरफ से एक मुआयना कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप चेक कर रहा हूँ, या मैं रख रहा हूँ कहीं सेफ जगह। एनीथिंग इज पॉसिबल, इसलिए मैंने यो खेल रचा। थैंक यू मैडम, अगर आप नहीं होती तो मैं बदनाम हो जाती, जेल चली जाती। अरे तू के मुन्नी है जो इतनी आसानी से बदनाम हो जाती? याद रख, मारे होते हुए किसी भी बेगुनाह को सजा ना हो सके। और एक बात मैं सभी से कहना चाहूंगी, यो सोशल नेटवर्किंग साइट्स सही है, बहुत अच्छी बात है, लोगों से संपर्क बिठाने का साधन, पुराने दोस्तों से मिलने का साधन, अच्छी बात से, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। कई बार फेक आईडीज बनाई जाती हैं, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं और इसी से कई बार क्राइम बढ़ता। इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रहें, लेकिन सावधान रहें, किसी भी अनजान अपरिचित इंसान से दोस्ती ना बढ़ाएं, किसी से एक अनजान जगह पर मिलने ना जाएं और फेक आईडीज से सावधान रहें, ना तो खुद उन्हें बनाएं, ना ऐसी चीजों को बढ़ावा दें। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो पुलिस आपकी बेहतर मदद कर पाएगी। याद रखिए, आपकी सुरक्षा सबसे पहले आप ही के हाथों में है। यो सूचना जनहित में जारी। किसका बच्चा भाई? हसीनाओं के देवता बेटा, यो करम है जो सामने आ रहे हैं। Well. अरे अरे, ये तेरे भाई हैं सब? Oh, well. अरे एक मिनट रोको भाई, एक मिनट। अरे तू इधर आ, सबसे नॉटी लग रहा है तू बंदे। रुको। मुझे पहचानते हो? अरे किसके बच्चे हो बेटा? यो चौकी है। मेरे बच्चे हैं। आइए आइए। नमस्ते मैडम, मैं हूँ शैलेंद्र, छोटा परिवार सुखी परिवार। ओ मैं हूँ शैलेंद्र, चाची पुलिस बुला लेगी। ओ कौन सा सिलेंडर यार, LPG या CNG? नहीं, वो मेरे कहने का मतलब है ना कि मेरा नाम सिलेंडर है। और मैडम ये बच्चे, एक मिनट है, बच्चों अपने अपने नाम बोलो। बोलो बेटा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
अरे वाह, वीकली नाइस, वीकली बैंड है यो। छोटा परिवार सुखी परिवार। अजीब आदमी है आप, इतने सारे बच्चे लेके घूम रहे हैं और बोल रहे हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। हुई 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 हुई। ये छोटा परिवार है, कहाँ से है छोटा परिवार ये? अरे लेकिन ये मेरे बच्चे नहीं है। Well, तो क्या पड़ोसियों के बच्चे लेके घूम रहे हो? अरे दादाजी, ये पड़ोसियों के भी बच्चे नहीं है। तो किसके बच्चे? दरअसल मैडम, ये बेचारे अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं। जिनको मैंने पाला है और ये सिलेंडर मेरा साला है। बात यह मैडम के मेरी बीवी कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई, हमारे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए इन बेसहारा बच्चों को मैंने अपने जीने का सहारा बना लिया है। वावा, वावा। ओ हाँ मैडम, हम सब ना एक परिवार की तरह रहते हैं। जीजू है ना घर संभालते हैं और मैं किचन संभालता हूँ। ओहो, मतलब तुम मिस्टर इंडिया के कैलेंडर हो और ये मिस्टर इंडिया? अरे यार एक काम करो, जरा गायब हो गए दिखाओ ना। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है। मैडम आपने मिस्टर इंडिया नहीं देखी क्या? उसमें अनिल कपूर भी ऐसे बेसहारा बच्चों का ख्याल रखता है और फिर आगे जाके फिल्म में एक मोगेम्बो आता है। तो यहाँ पे भी एक मोगेम्बो आ गया है जो इन बेचारे बेसहारा बच्चों के सर से छत छीन लेना चाहता है। Well bro, what is the matter? Is the on karo generator? Is the मैडम एक सेठ जी थे, उन्होंने अपना घर हम बेसहारा को रहने के लिए दिया था ना, तब उन्होंने कहा था कि ये जो घर है ना वो कभी भी नहीं बेचेंगे। लेकिन अब वो सेठ जी तो रहे नहीं और अब एक बिल्डर आ गया है और वो कहता है कि ये घर उसने खरीद लिया है और इसे तोड़ के वो वहां पे शॉपिंग मॉल बनाएगा। छोटा परिवार सुखी परिवार। कौन है यो? कौन है यो माइका लाल? बहन का भाई जो मासूम बच्चों से उनका घर छीनना चाहता है, वो भी चंद्रमुखी चौटाला के जिंदा रहते। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। बुलवा जरा इस महानुभाव ने, मैं भी तो देखूं। ओके। बेटा तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? लापी। चलो सबको आइसक्रीम खिलाती हूँ। ओके ये। ये। चलो चलो जीप में बैठो, चलो चलो चल। ले आऊं जी इनको। नमस्ते मैडम, मैं हूं सेठ जी का भतीजा और मम्मी डैडी के प्रेम का नतीजा। अंकल अकेला छोड़ गए। और मैं हूं बिल्डर, बिल्डर तरुण तिस्का, दिमाग से हूं थोड़ा खिसका, चाय में कॉफी है, खानी मुझे टॉफी है। तू ही है वो बिल्डर जो छोटे छोटे मासूम बच्चों से उनका घर छीन के वहां एक शॉपिंग मॉल बनवाने के चक्कर में हो रहा है। हाँ मैडम, वो बिल्डर मैं हूं, बिल्डर तरुण टेस्का।